हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के रोज की तरह मैं आ गई हूँ आपकी समझ। आप भी रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए जो भी आपने अभी तक थ्योरी सेशन में पढ़ा है। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, यूजीसी नेट हो, चाहे कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चाहे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज पढ़ना हो, चाहे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना हो, चाहे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाना हो, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन, सभी प्रकार की चीजें मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल पे जाइए, चैनल को प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, हर एक टॉपिक के प्लेलिस्ट है बना हुआ है, और प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, और डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि ओलंपिक खेल किस स्वर्णिम प्राचीन सभ्यता की धरोहर है। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुआ था, ओलंपिया नामक स्थान पर। तो दोस्तों, किस प्राचीन सभ्यता की धरोहर है ओलंपिक खेल? आप सबको पता है, ग्रीस यानी यूनान की। ठीक है, ग्रीस यानी यूनान की। नेक्स्ट है दोस्तों, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहां पे हुई? तो एथलीट शब्द की जो उत्पत्ति है वह एथेन से हुआ है। एथलीट का मतलब ही होता है प्रतियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन होगा, तो उस समय का क्वेश्चन है, इसलिए होगा यानी हो चुका है 2016 में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था ओलंपिक खेल, जिसमें भारत ने दो पदक प्राप्त किया था, एक बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने रजत पदक, एक कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। एंड 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ है, जिसमें 7 पदक भारत ने जीता है, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, 1 स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, एंड 2 रजत पदक जीता है, जिसमें से पहला है मीराबाई चानू रजत पदक वेटलिफ्टर में, एंड रवि कुमार दहिया कुश्ती में रजत पदक। एंड 4 कांस्य पदक में पहला है बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन, एंड बैडमिंटन में पीवी सिंधु, एंड कुश्ती में बजरंग पुनिया, एंड भारतीय हॉकी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रतम शारीरिक वृद्धि फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ किसका परिणाम होता है? तो दोस्तों, फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ जो है वह परिणाम होता है जीव रासायनिक परिवर्तन। जो भी हमारे शरीर में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, एंड अंतः स्त्रावी परिवर्तन, जो भी हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं, एंड चयापचय परिवर्तन, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, इस तीनों प्रक्रियाओं पर हमारा जीव का जो है तीव्रतम शारीरिक वृद्धि फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ इसी का परिणाम होता है। ठीक है, इसमें जो बैलेंस बिगड़ता है तो ये फास्टेस्ट ग्रो नहीं हो पाता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयु एवं लिंग भेद का ज्ञान आवश्यक है। तो आयु एवं लिंग भेद का ज्ञान शारीरिक क्रिया कार्यक्रम निर्माण हेतु आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, शारीरिक क्रिया का आप निर्माण कर रहे हैं तो भी उसके आयु क्या है, उसकी लिंग क्या है, ये आप ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक जो छोटे बच्चे का कार्य है, एक बड़े बच्चे का कार्य में अंतर होता है, क्रियाकलाप में अंतर होता है। एंड ख है, शारीरिक क्रिया के कार्यक्रम के आयोजन हेतु, ठीक है, कार्यक्रम का आयोजन आप निर्माण कर रहे हैं तो भी एज एंड उसकी लिंग जरूर देखेंगे। एंड गह है, सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का चरित्र बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल है, इसकी विषय वस्तु किससे ली गई है? मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुत सारे विषयों से इसकी विषय वस्तु ली गई है, जैसे कि जीव विज्ञान से शरीर की रचना विज्ञान है, क्रिया विज्ञान लिया गया है, चिकित्सा विज्ञान से आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन लिया हुआ है, जो भी इंजरी होते हैं, एंड व्यवहार विज्ञान से जो खेल खेलते समय बालक का जो मनोदशा होता है, ठीक है,
उसको बढ़ाया जाता है। तो इन तीनों विषयों से शारीरिक शिक्षा को लिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का चरित्र जो है बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशीय संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? दोस्तों हमको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? इंस्टेंट एनर्जी हमको देता है कार्बोहाइड्रेट। तो मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत है, जो ही हम मेरे अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होती है, हम सुस्त पड़ जाते हैं, स्लो पड़ जाते हैं, आलस्य हो जाता है। बट जो ही हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं इंस्टेंट एनर्जी हमको मिलता है और हम कार्य करने लगते हैं। इसका मतलब कि मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, मांसपेशीय दुग्धाम्ल यानी लैक्टिक अम्ल को व्यायाम के पश्चात कितने समय में समाप्त करती है? तो जब भी हम व्यायाम करते हैं तो उस समय थकावट हो जाता है बॉडी में, तो कितने समय के पश्चात वो समाप्त होती है? तो 60 मिनट यानी कि 2 घंटे के पश्चात। नेक्स्ट है, बृहद अभिघात एग्जोजेनस इंजरी है तो यह क्या है? यह है स्वास्थ्य ऊतक पर आघात। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, एक सूची से दूसरे सूची को मिलान करना है। ए है आपका ग्रास नली, श्वास नली, अनुमस्तिष्क एवं कोशिका नली। तो ग्रास नली आइसोफेगस जो होता है वो पाचन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? पाचन तंत्र का भाग है। इसी से ग्रास नली से होते हुए जो भोजन होता है अमाशय यानी स्टोमचक जाता है। ठीक है, बी है श्वास नली। ठीक है, श्वास नली यानी ट्रैकिया। श्वास नली किसका भाग है? श्वसन तंत्र का। इस श्वास नली से होते हुए जो वायु होता है वो फेफड़ों तक जाता है। सी है अनुमस्तिष्क। ये किसका भाग है दोस्तों? स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है डी है कोशिका नली। यह किसकी भाग है? रक्त संचरण तंत्र का भाग है। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कौ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है इसमें भी। तो इसमें है उत्तानन, अवतान, अधोवर्तन, अपावर्तन, अभिवर्तन। दोस्तों यहां पे उत्तानन का मतलब है सुपाइनेशन, उत्तानन का मतलब है सुपाइनेशन इवोल्यूशन, यानी कि सुपाइनेशन में हम क्या करते हैं उत्तानन में, उत्तान उत्तान में सो जाना यानी कि पीठ के बल सोना, हमारा चेहरा आकाश की ओर, हाथ हाथ की हथेली ऊपर की ओर मोड़े रहेंगे। ठीक है, यहां पे आपका हो जाएगा उत्तानन का ए यानी कि पहला ही हो जाएगा आपका हथेली को ऊपर की ओर मोड़ना। ठीक है, एंड दूसरा बी है अधोवर्तन यानी कि सबवर्जन। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रोनेशन, सुपाइनेशन यानी ऊपर की तरफ हाथ मोड़ना, अप्रोनेशन में नीचे की तरफ हाथ मोड़ना जमीन की तरफ। तो यहां पे बी का हो जाएगा 4 यानी कि हथेली को नीचे की ओर मोड़ना। सी है अपावर्तन यानी एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है, हम अपने हाथ को कंधे के लेवल तक ऊपर तक उठाते हैं यानी कि अपने शरीर के मध्य भाग से दूर की ओर ले जाते हैं अपने कंधे को। ठीक है, शरीर के मध्य भाग से दूर की गई क्रिया होता है एबडक्शन। एंड डी है अभी परिवर्तन यानी कन्वर्जन, इसको कहते हैं एडक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर के मध्य भाग की ओर वापस हाथ को लाना। ठीक है, तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी आपको सूची एक से दो से मिलान करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेरे साथ डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए, बस आपके सभी सवालों के जवाब मिलते रहेंगे, आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा। देखते हैं दोस्तों, इसे मिलाइए डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट किससे रिलेटेड है दोस्तों? द डबल फॉल्ट जो है वो टेनिस से रिलेटेड है। स्कूप किससे रिलेटेड है तो आप सबको पता है, या हॉकी से रिलेटेड है। लेट शब्द जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। चेक मैट्स किससे रिलेटेड है तो शतरंज से रिलेटेड है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है आपको सूची एक से सूची दो से। यहाँ पे है ए है स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर जो है शरीर की ऊंचाई या लंबाई को मापता है, तो इसका थर्ड हो जाएगा ए का। स्किन फ्लूइड कैलिपर जो है बी। ए आपके शरीर के वसा को मापन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा त्वचीय परत मापन। एंड सी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
ECG यानी कि ये हृदय की अनियमितता को बताता है, तो हृदय चक्र आपका राइट हो जाएगा सी का। एंड डी है बायोप्सी, बायोप्सी जो है मांसपेशी तंतु के परीक्षण करता है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, यहाँ पे है वाइटल कैपेसिटी, तो सबसे पहले हम उसको मिलाते हैं दोस्तों जो आपको आता होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसिड्यूल एयर क्या होता है, अपशिष्ट वायु, ठीक है, अपशिष्ट वायु यानी कि रिसिड्यूल एयर जो पूर्ण श्वसन करने के उपरांत फेफड़ों में जो बची हुई वायु होती है, इसका हो जाएगा 4, यानी कि पूर्ण श्वास छोड़ने के उपरांत फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को कहते हैं अवशिष्ट परिणाम यानी रिसिड्यूल टेस्ट। एंड डी है आपका ज्वारीय परीक्षण यानी टाइडल टेस्ट, ये क्या होता है, प्रत्येक श्वसन में अंदर व बाहर जाने वाली हवा की मात्रा, ठीक है, डी का 1 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा 1, प्रत्येक सामान्य श्वसन में जब हम अंदर वायु ले इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो कर रहे हैं, सांस अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, इसके आयतन को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। एंड यहाँ पे ये है वाइटल कैपेसिटी, यानी कि पूर्ण क्षमता से वायु को अंदर लेना और बाहर लेना, यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता का एक प्रमुख भाग होता है आपका क्या, प्राणधार क्षमता, ठीक है, प्राणधार क्षमता। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फेफड़ों की कुल क्षमता का एक प्रमुख भाग होता है, फेफड़ों की कुल क्षमता का एक प्रमुख भाग होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक बचा हुआ है सूक्ष्म संवातन, माइक्रो सूज में, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, 1 मिनट में सांस लेने में या सांस छोड़ने में हवा की मात्रा को कहते हैं सूक्ष्म संवात, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे क आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है सूची 1 को 2 से, तो यहाँ है फर्स्ट है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, टेस्ट, फुटबॉल, तो वॉलीबॉल से रिलेटेड यहाँ पे कौन है दोस्तों, तो वॉलीबॉल में है रसल लैंड वॉलीबॉल टेस्ट, 1 of 4 हो जाएगा, 1 of 4 किस में दिया है, ख में दिया है। एंड बास्केटबॉल जो है वो नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट है, बास्केटबॉल से रिलेटेड, तो यहाँ पे बी का 3rd हो जाएगा, ठीक। एंड टेनिस टेस्ट किसका है, ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट आपका टेनिस से रिलेटेड है, तो C का 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड फुटबॉल किससे रिलेटेड है, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट आपने जाना होगा, तो ये आया आपका 2, इस प्रकार आपका राइट हो जाएगा ख। दोस्तों स्किल टेस्ट चाहे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, सभी के टेस्ट रिलेटेड आप टेस्ट एंड मेजरमेंट वाइज प्लेलिस्ट में जाइए और सभी को डिटेल में जानिए। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आप रेडी हो जाइए आंसर देने के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में ये प्रश्न मैंने हल कराया है, यदि आप डेली बेसिस पे देखते होंगे तो, ठीक है, डेली बेसिस पे आप देखते होंगे तो इस क्वेश्चन को मैंने हल कराया है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट क्या काम करता है, यह दोस्तों क्रिएटिन फॉस्फेट जो है इसका 3rd हो जाएगा, ये मांसपेशीय संकुचन के समय प्रयुक्त अनैरोबिक ऊर्जा स्रोत होता है क्रिएटिन फॉस्फेट, ठीक है। 1 of 3rd किसमें दिया है, घ में, किसमें दिया है, घ में। एंड दूसरा है बी है आपका हेक्सोज फॉस्फेट। हेक्सोज फॉस्फेट जो है यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में काम करता है। एंड प्रोटीन सी है, प्रोटीन जो है लेसिथीन के रूप में मांसपेशी में उपस्थित होता है, तो C का 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड वसा यानी फैट ये क्या करता है, यह मांसपेशी में शर्करा में पाया जाता है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, आपको फिर से मिलान करना है, यहाँ पे है मेडिकल इंटरटेनमेंट यानी कि चिकित्सकीय व्यायाम, इससे रिलेटेड होगा तो अस्पताल से रिलेटेड होगा। वाणिज्यिक मनोरंजन, यहाँ पे कमर्शियल इंटरटेनमेंट आपका हो जाएगा मनोविनोद से। औद्योगिक मनोरंजन आपका हो जाएगा व्यवसाय यानी बिजनेस से। संस्थागत मनोरंजन हो जाएगा स्कूल यानी कॉलेज, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन से रिलेटेड। अभिकथन ए है, दुर्बल व्यक्ति को ठंड की वजह से मोटे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कपकपाहट महसूस होती है, तो ये तो आपका राइट लग रहा है, बट आर को देखते हैं। अत्वचीय अवत्वचीय वसा में उष्मीय चालकता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि इसका ठीक तरह से संवहन नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए और आर दोनों सही है, क आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर से आपका अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ए है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक व्यवस्था में बल लाभ प्रायः प्रेरक बल हेतु उपस्थित होता है, तो ये बात सही है दोस्तों। जैसे कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो आपका रेसिस्टेंस होता है, भार होता है, वह बीच में होता है जिसमें बल लाभ प्राप्त होता है प्रेरक हेतु। एंड आर है दोस्तों कि भारी बाधा को हिलाने में कम प्रेरक बल के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। नो दोस्तों, भारी बाधा के हिलाने में ज्यादा प्रेरक बल आपको लगेगा ना, तो यहाँ पे आर गलत है आपका, ठीक है। तो 19 का आपका क हो जाएगा, ये भारी बाधा को हिलाने में कम प्रेरक बल की इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। क्या है, ए और आर दोनों सही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अभिकथन से ही रिलेटेड है। ए है, लीग प्रतियोगिता में दी जाने वाली बाई अनुक्रमिक होती है, तो ये तो राइट है, ठीक है। और आर है आपका, एलिमिनेशन प्रतियोगिता में जिसमें चार भाग होते हैं बाई का क्रम होता है Q1 Q2 Q3 Q4, तो ऐसा तो नहीं होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए आर है, ए सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर की आयु ज्ञात करने की चार विधियां हैं, एनाटॉमिकल एज एंड फिजियोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज, तो यहाँ भी उसी से रिलेटेड दिया हुआ है। क है संरचनात्मक आयु यानी कि शरीर रचनात्मक एनाटॉमिकल एज, जिसमें अस्थियों और दांतों की गणना करके हम उसका एज का पता लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका क सही मेल है। ख है दैहिक क्रियात्मक आयु यानी कि फिजियोलॉजिकल एज, जिसमें यौन लक्षण जो हार्मोनस इम्बेलेंस होते हैं उससे आपको पता लगाया जाता है। ग है मानसिक आयु द्वितीय यौन लक्षण, ये आपका गलत है क्योंकि मानसिक आयु में याद करने का सूत्र है IQ = MA/CA/100 यानी कि मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100, तो यही आपका गलत हो जाएगा। घ है कालक्रमिक आयु, जिसको दिन महीनों वर्षों में ज्ञात किया जाता है, इसको पंचांग आयु या कैलेंडर एज भी कहा जाता है, तो आपका क ख और घ राइट है, ग आपका सही जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है। तो यहाँ पे अधोवर्तन तथा उत्तानन यानी कि प्रोनेशन सुपाइनेशन ये राइट है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट भी राइट है, समीपस्थ और दूरस्थ भी राइट है, बट मांसपेशीय तथा उत्तक राइट नहीं है, क्योंकि दोस्तों क ख ग ये तीनों के तीनों आपके एंगुलर मूवमेंट यानी कि आपके शरीर के ज्वाइंट मूवमेंट्स रिलेटेड है, जबकि मांसपेशीय उत्तक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा मैच नहीं है। तो यहाँ पे दिल तथा फेफड़े, अस्थि तथा उतक, यकृत तथा कोशिकाएं,
ये तीनों मेल है, जो मेल सही है, बट अवयव एवं तंत्र आपका सही मेल नहीं है। नेक्स्ट है, किसमें हवाई कालाबाजी प्रक्षेप सिद्धांत प्रोजेक्टाइल थ्योरी का सर्वोत्तम उदाहरण होता है? तो ऊंचाई यानी कि हाइट, ऊंचाई यानी कि हाइट। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा सही है? तो एक क्वेश्चन ही हमको समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से ये पूछा हुआ है। इसका आंसर आपका क दिया हुआ है, बट इसका मिलाया कैसे है जब और ऑप्शन दिया ही नहीं है? तो इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका यानी कि लगता है कि सीक्वेंस में मिलाया है। सीक्वेंस में अगर मिलाया होगा तो आपका पहले चौथा होगा, यानी सामान्य ताप मापक्रम, क्रमवाचक मापक्रम, अनुपातिक मापक्रम, टी टेस्ट। उसके बाद बी टाइप वन टाइप टू त्रुटि एंड नगण्य परिकल्पना लाइनर रिग्रेशन। उसके बाद वन पाई चार्ट हिस्टोग्राफ बार डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फिर आपका होगा दो यानी रेंज कराइटल डिविएशन एवरेज डिविएशन मीन। नेक्स्ट दोस्तों कि ओलंपिक के आयोजन स्थान नीचे दिए गए हैं उनके शुभंकर को आपको क्रमबद्ध करना है। तो यहाँ पे आपका दिया है मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा में कब हुआ था आपका ओलंपिक? मॉन्ट्रियल कनाडा में कब हुआ था ओलंपिक दोस्तों? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में आपका हुआ था 1976। मॉन्ट्रियल कनाडा का शुभंकर क्या था? अमित था। क्या था? अमित था। क्या था? अमित उद्बला था। ठीक है। एंड फिर आपका मास्को, मास्को ओलंपिक रूस में हुआ था 1980 में, जिसका शुभंकर था मीसा भालू। फिर आपका लॉस एंजिल्स अमेरिका में कब हुआ था? 1984 में, जिसका सैम बाज आपका शुभंकर था। एंड फिर अटलांटा अमेरिका में हुआ था कब? 1996 में, जिसका शुभंकर इज्जी मिक्की माउस था। तो यहाँ पे जी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। शुभंकर की शुरुआत 1968 में अनधिकारिक तौर पर हुआ था। 1968 मेक्सिको सिटी का शुभंकर था पालोमा कबूतर, लेकिन आधिकारिक तौर पर शुभंकर का आरंभ 1972 में म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी से हुआ था, जिसका शुभंकर था वाल्दी एक शिकारी कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकीय मापन के सूक्ष्म विवरण जैसे टी टेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन तथा मीन नीचे दिए गए हैं, इनका सही क्रम कूट का प्रयोग करते हुए सही कूट को चुनना है आपको। इसका राइट आंसर है ग। ठीक है, इस प्रकार जल्दी से हम लोग मिला लेते हैं। तो ग राइट आंसर है, जिसमें से चौथा पहले होगा, यानी सार्थकता परीक्षण हम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद दो वेरिएबल के मध्य सहसंबंध निकालेंगे परस्पर। उसके बाद हम अपवर्तक भिन्नता निकालेंगे। उसके बाद हम सेंट्रल टेंडेंसी का अपवर्तक निकालेंगे। ठीक है, ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रशिक्षण विधियों में प्रयुक्त मांसपेशीय संकुचन नीचे दिए गए हैं तथा मांसपेशीय संकुचन के नाम कूट में दिए गए हैं, सही क्रम पता करें। तो दोस्तों ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे लेंगे, बस समझदारी से आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, पहला है आपका, लगातार सर्वाधिक दबाव के चलते मांसपेशी छोटी होते हुए समस्त जोड़ों के कोणों पर संपूर्ण गतीय फैलाव पैदा करती है। तो ये मशीनों द्वारा होती है। यहाँ पे आइसोकाइनेटिक की बात हो रहा है, तो यहाँ पे आइसोकाइनेटिक आपका कहाँ पे दिया हुआ है? घ ऑप्शन में पहला दिया हुआ है। ठीक है, बी है आपका, लगातार दबाव के चलते संकुचन के समय मांसपेशी सिकुड़ जाती है। तो ये क्या होता है, सिकुड़ना फैलना, ये आपका आइसोटोनिक होता है, आपका फिर आइसोटोनिक हो जाएगा। फिर बिना वाह्य लंबाई बदले मांसपेशी संकुचन होना, जिसमें मांसपेशी की लंबाई न बढ़ती है न कम होती है, लंबाई एक समान होती है, तो क्या होता है, आइसोमेट्रिक, तो आपका राइट हो जाएगा सीक्वेंस में। फिर संकुचन के समय मांसपेशी लंबी होती है तो क्या हो, इसेंट्रिक होता है। ठीक है, जैसे कि आइसोटोनिक दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक। जब मांसपेशी छोटी होती है लंबाई में तो कंसेंट्रिक, बड़ी होती है लंबी होती है तो उसको इसेंट्रिक बोला जाता है। इस प्रकार का सिक्वेंस आपका होगा, ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में व्यावसायिक तैयारी हेतु चलाए जाने वाले कोर्स नीचे दिए गए हैं, कोड का प्रयोग करते हुए इनकी नियंत्रण संख्या संस्था को आपको बताना है।
तो यहाँ पे नियंत्रण संस्था को बताना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। यहाँ पे आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो अब मिलाइए आप, यानी कि जो सीपीएड है इसका नियंत्रण कौन करता है? राज्य शिक्षा बोर्ड। एंड बीपीई का नियंत्रण कौन करता है? विश्वविद्यालय। कोचिंग डिप्लोमा का नियंत्रण कौन करता है? एसआईए। एमपीएड का नियंत्रण कौन करता है? एनसीटी। ठीक है, इस प्रकार डी आपका राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, इंट्राम्यूरल समिति में सम्मिलित होते हैं। इंट्राम्यूरल यानी कि संस्था की चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसे इंट्राम्यूरल कहते हैं, और एक्स्ट्राम्यूरल जो दो दो संस्थाओं के बीच जो होती है प्रतियोगिता उसके एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? इंट्राम्यूरल समिति में सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ख, यानी कि आपका अंतः संकाय निदेशक और अंतः संकाय सचिव आपके सम्मिलित होते हैं। इंट्रामुरल समिति में सम्मिलित होते हैं अंतः संकाय निदेशक और अंतः संकाय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहां पे कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 31 से 35 का उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद आंसर आपका 31 से 35 यानी कि पांच क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश पर आधारित होगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है इसको। इसमें है कि आत्मा का आदेश मानने के लिए शरीर को अनिवार्यतः गहन मांसल गतिविधियों से संपन्न और शक्तिशाली होना चाहिए। जितना अधिक वह आदेश देता है उतना अधिक शरीर शक्तिशाली होता है। सोचने के लिए हमें अपने अंगों का संचालन करना पड़ता है जो हमारे प्रतिमा के उपादान हैं। हमारे सारे उपादानों से संभावित लाभ प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि शरीर जो उन सब को सुगठित करता है उनके सभी उपादान अत्यधिक शक्तिशाली व स्वस्थ हों। ये सभी खेलते शब्द नहीं हैं, ये सभी खोखले शब्द नहीं हैं, न ही ये उन आदर्शवादी दार्शनिकों के दिमाग की काल्पनिक कहानियां हैं। ये सभी जीवंत यथार्थ से भरे हैं, जिस यथार्थ का व्यक्ति और राष्ट्र को बोध होना चाहिए। जिससे यह पता चलता है कि एक स्वस्थ और सक्षम नागरिक एक निधि होता है, जबकि एक कमजोर व्यक्ति एक बोझ बन जाता है। यह सच है, पहला आदेश देता है और दूसरा याचना करता है। यह मानना चाहिए कि मनुष्य की क्षमता और उत्पादकता पूरी तरह निर्भर करते हैं किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसकी क्षमता पर। प्रायः सभी राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय जीवन के इस विषय और महत्वपूर्ण पहलू पर यथोचित ध्यान देने की बाध्य है। स्वास्थ्य और क्षमता का महत्व जो वस्तुतः शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ही उपलब्ध किया जाता है, इसे आधुनिक युग में कम करके आंकना मुश्किल हो सकता है। अब जबकि भौतिकता के दर्शन के कारण जीवन शैली मुख्य रूप से तीव्रता के साथ समय के अनुसार बदलती जा रही है, प्रायः हर कहीं भीषण शहरीकरण और दैनिक कार्यक्रमों का यांत्रिकीकरण का परिणाम भाग दौड़ में होता है। लेकिन इसके साथ ही मनुष्यों का प्राकृतिक सामर्थ्य, शक्ति, शारीरिक शक्ति तथा निपुणता दृष्टा से हम दूर होते चले जा रहे हैं, वस्तुतः सार्थक जीवन के लिए अनिवार्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति 2010 AD एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बन जाए तथा सबसे अच्छे स्वास्थ्य की उपलब्धि के लिए यह उठाया गया सही कदम है। एंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने WHO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसमें 2010 AD तक सबके स्वास्थ्य तथा सबके लिए क्रीड़ा की बात है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राष्ट्र के नागरिकों को स्वास्थ्य और क्षमता के प्रति जागरूक बनना होगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तथा क्षमता के मूल्यांकन के लिए मानदंड बनाने
पड़ेंगे जो कि लिंग भेद के बिना सभी उम्र के मनुष्य को समाहित करते हों। एंड सारी क्षमता और स्वास्थ्य किसी भी मनुष्य की अमूल्य संपत्ति उपलब्धियां हैं। शारीरिक स्वस्थता, क्षमता और स्वास्थ्य किसी भी मनुष्य की अमूल्य संपत्ति या उपलब्धियां हैं। इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। इन्हें नियमित और क्रमबद्ध शारीरिक क्षमता के कार्यक्रमों के माध्यम से, जीवन शैली की सकारात्मक आदतों के माध्यम से उपार्जित किया जा सकता है। शारीरिक क्षमता वस्तुतः शारीरिक गतिविधियों के बिना थकावट के क्रियान्वित करने की क्षमता है। ठीक है, ये था आपका गद्यांश। अब इस पर आधारित आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रश्न नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, गद्यांश का मुख्य विषय क्या था। दोस्तों आपने पूरा गद्यांश पढ़ा मेरे साथ, आप दो तीन बार अपने पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, बट मैंने एक बार पढ़ा है जिसमें आपको समझ में आ गया होगा मुख्य चीजें। तो यहाँ पे गद्यांश का मुख्य विषय क्या है दोस्तों, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो गद्यांश का मुख्य विषय है एक और दो, यानी कि शारीरिक क्षमता और स्वच्छता। ये गद्यांश का मुख्य विषय है, शारीरिक क्षमता और स्वच्छता गद्यांश का मुख्य विषय है। इसी के बारे में इसे बताया गया है, शारीरिक क्षमता और स्वच्छता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुच्छेद के प्रारंभ में दिए गए उद्धरण के रचयिता हैं। अनुच्छेद किस चीज से प्रारंभ हुआ? आत्मा से। आत्मा से, तो आत्मा के रचयिता कौन है? ये है प्लेटो, ने पहले आत्मा के बारे में बताया है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव क्षमता पोटेंशियल तथा उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की प्राप्ति निर्भर करती है। तो आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप लगा दिए होंगे। इसका सही जवाब है स्वास्थ्य और क्षमता जो है वह मानव क्षमता तथा उत्पादकता की प्राप्ति निर्भर करता है। किस पे? स्वास्थ्य और क्षमता पर। किस पे? स्वास्थ्य और क्षमता पर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का लक्ष्य क्या है? तो WHO का लक्ष्य है सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, तो किसको नहीं खरीदा जा सकता है? तो शारीरिक क्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य को खरीदा नहीं जा सकता। ये डेली रूटीन के वर्कआउट और डेली रूटीन के आपके कार्यों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का पंचांगीय दर्शन कोड में दिया गया है, सही उत्तर लिखिए। सुनिए, यहाँ पे है राष्ट्रमंडल खेल, एशियन खेल, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राष्ट्रमंडल खेल 1930 कनाडा में शुरू हुआ था, एशियन खेल की शुरुआत 1951 नई दिल्ली में हुआ था, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, एड्स किस माध्यम से संचारित होता है? तो रक्त आधान से, शारीरिक संबंध से। यहाँ पे आपका 2 और 3 आपका राइट होगा, 2 और 3 आपका राइट होगा, यानी ग आपका राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मूवर शब्द का किसके साथ संबंध है? तो मूवर शब्द का संबंध है उत्तेजना क्रिया से और प्रेरणा से। तो यहाँ पर ग आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदर्शन बढ़ाने हेतु संख्यात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित है ऑटोजेनिक प्रशिक्षण, मानसिक अभ्यास, प्रतिबिंबित अभ्यास, बट स्वयं वार्ता आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण स्थानांतरण का क्या कारण है? तो दोस्तों प्रशिक्षण का स्थानांतरण में क्या होता है? पुरानी सीख को नवीन सीख अवस्था में प्रयोग करना। जो भी आपने पुरानी पहले सीखा हुआ है, नवीन ज्ञान प्राप्त करते समय उसमें आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वो प्रशिक्षण का स्थानांतरण है। 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। पॉजिटिव में क्या होता है, पुराने ज्ञान को यदि नए चीज में सीखने को आपके सहायता कर रहा है तो वो सकारात्मक स्थानांतरण है। जब पुराना ज्ञान नए कार्य को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो आपका नेगेटिव स्थानांतरण है, नेगेटिव ट्रांसफर है, यानी कि ऋणात्मक हस्तांतरण। एंड जब पुराना ज्ञान नए कार्य को सीखने में न तो बाधा उत्पन्न कर रहा है न सहायता कर रहा है तो वो क्या है? शून्यात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट है, पावलोव के अनुकूलन का दूसरा नाम है? पावलोव के अनुकूलन यानी कि उन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी दिया था, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत,
तो उनके दूसरा नाम उनको संस्थापित अनुकूलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का किसके प्रदर्शन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? तो छोटे बच्चों के प्रदर्शन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों को आप ज्यादा भार देंगे तो उसका विपरीत ही प्रभाव होगा, इसलिए उसके अनुकूल देना चाहिए। नेक्स्ट, सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों के संदर्भ में काल विभाजन चक्र की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुखंडीय काल विभाजन। नेक्स्ट है, खेलों की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम मद है। तो खेलों की चोटों की प्रथम चिकित्सा होती है बर्फ चिकित्सा यानी ठंडी चिकित्सा, जिसे क्रायोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मनुष्य रचित स्वास्थ्य आपदा है? तो दोस्तों, वन अग्नि चक्रवात, धरती खिसकना, ये सभी प्राकृतिक आपदा है, बट विघटनाभिक रेडिएशन जो है वो मानव निर्मित आपदा है। नेक्स्ट दोस्तों, मैकडोनाल्ड टेस्ट का प्रयोग होता है किसमें होता है? दोस्तों, मैकडोनाल्ड टेस्ट आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल यानी साकर, फुटबॉल को साकर भी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1957 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किस खेल में प्रयोग होता है? किस खेल का टेस्ट है दोस्तों? तो बैडमिंटन में, ठीक है, बैडमिंटन का। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है दोस्तों? तो प्रदर्शन विधि सबसे सर्वोत्तम विधि है शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे डांटना चाहिए कि दंडित करना चाहिए कि माता पिता शिकायत करनी चाहिए? तीनों आपको नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन और परामर्श देना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, आज के सेशन में ये 50 क्वेश्चंस थे आपके, सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस बेहतर होता चला जाएगा। जो भी टॉपिक में आप कमजोर है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपनी गलतियों को ढूंढिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होगा वो भी कमेंट में बताइए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए।